नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शुक्रवार को हुए रायगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में कांग्रेस समर्थित निराकार पटेल अध्यक्ष तथा रोहिणी राठिया उपाध्यक्ष चुन लिए गए। गौरतलब है कि रायगढ़ जिला पंचायत में कुल सदस्यों की संख्या 25 है। इसमें 15 कांग्रेस के, 2 कांग्रेस से बागी हुए चुनाव लड़े प्रत्याशी विजयी रहे। इस तरह से कुल मिलाकर कांग्रेस के पक्ष में 17 तथा कुल भाजपा के पक्ष में 8 सदस्य समर्थन में थे। इससे यह तय था जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की ताजपोशी किसी कांग्रेस समर्थित सदस्य की ही होगी, किंतु जिले के कद्दावर मंत्री उमेश पटेल एवं रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के बीच सामंजस्य नहीं बनने की स्थिति में भाजपा लाभ उठाने की ताक पे थी। बता दें कि पहले उमेश पटेल की ओर से निराकार पटेल का नाम सामने आने तथा रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक की ओर से उनके अनुज कैलाश नायक का नाम सामने करने की बात सुर्खियों में थी। ये जीत हमारे कांग्रेस की लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जी की जीत है। उनका जो जीत है वो जो लोगों के साथ चलते हैं, किसानों के साथ, आम जनता के साथ, और एक साल भर की उपलब्धि है। लगातार हम 9 में 8 जनपद जीते हैं, जिला पंचायत में 25 में 17 जीते हैं। लगातार हमारा जीत का क्रम चालू है। लोगों, भाजपा ने कुछ भ्रम फैला रहे थे यहाँ पे कि किसान नाराज है, पर किसानों ने पूरा कांग्रेस पर भरोसा किया है। आज ग्रामीण चुनाव का रिजल्ट देखने मिला। आप सब जानते हैं कि ये ग्रामीण जनता का ही चुनाव था और किसानों को और जनता को भरोसा है। हमने जो वादा किया 5 साल जनता को, उस वादे को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी पर जनता ने पूरा नकार दिया है। एक तरफा सभी जगह नगर पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, जिला पंचायत में एक तरफा जीत हुई है। इस जीत का श्रेय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे मंत्री उमेश पटेल जी को देना चाहूँगा। किंतु वरिष्ठता के आधार पर निराकार पटेल ही अध्यक्ष प्रत्याशी होंगे, इस बात का खुलासा कल स्वयं प्रकाश नायक ने कर दिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा को कांग्रेस के आपसी खींचतान का लाभ किसी तरह से मिलने वाला नहीं है। फिर भी अपने विपक्षी धर्म का निर्वहन करते हुए भाजपा के पर्यवेक्षक शिव रतन शर्मा ने गोपिका गुप्ता को अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में चयनित किया। दोनों के बीच में 8 मतों के अंतर से निराकार पटेल अध्यक्ष चुन लिए गए। इसी तरह से उपाध्यक्ष के लिए रोहिणी राठिया चुन ली गई, जो कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र से आते हैं। यहां आपको यह बता दें कि इसके पहले रायगढ़ जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा था। इसके अलावा जिले के 9 जनपदों में से 8 में कांग्रेस की कब्जा के साथ रायगढ़ के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। मैं निराकार पटेल, क्षेत्र क्रमांक 3, और सभी जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कांग्रेस के समर्थित सभी प्रत्याशियों को चुना। और आज जिला पंचायत में 18 सीट जुलाई, उसके लिए मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पार्टी को मजबूती करने के लिए हम सभी एक साथ काम करके एक रायगढ़ की इतिहास को नया रचना शुरू करें। रायगढ़ से मोहन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।